एलिमेंट्स ऑफ ए पॉलीगन, देखो एलिमेंट्स ऑफ ए पॉलीगन, एलिमेंट्स ऑफ ए पॉलीगन, देखो तो एक पॉलीगन का एलिमेंट्स क्या क्या है। मान लो मेरे पास एक पॉलीगन है तो वो लाइन सेगमेंट से बना होगा, जैसे ये एक पॉलीगन है, एट क्लोज्ड है, सिंपल है, प्लेन सरफेस के ऊपर बना है एंड लाइन सेगमेंट से बना है, मतलब ये एक पॉलीगन है। अभी उसका हम एलिमेंट देखेंगे, इसका नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, मतलब ये फाइव लाइन सेगमेंट से बना है, एक दो तीन चार पांच, मतलब ये चीज है पेंटागन। देखो एलिमेंट्स क्या क्या है उनका, पहले हम साइड्स देखेंगे, साइड्स देखो जो साइड्स है उसका वही लाइन सेगमेंट है। देखो देखो ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, दीज आर दी साइड्स। तो हम साइड्स लिख पाएंगे यहाँ पे, ए बी एक साइड्स है, बी सी है, देन सी डी है, देन डी ई और एक है ई ए, दीज आर दी साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो एंगल्स क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल। तो एंगल का नेमिंग हम कर लेते हैं अभी, एंगल्स देखो क्या क्या एंगल बन रहा है, एंगल ए, एंगल ए को हम लिख पाएंगे एंगल बी ए ई और ई ए बी, नहीं तो सिंपल एंगल ए हम लिख पाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई, ये पॉलीगन का, तो ये हो गया उसका एंगल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स हम दिखेंगे इसका क्या क्या है। देखो वर्टेक्स एलिमेंट्स, तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट। वर्टेक्स क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट इज नॉन योर वर्टेक्स। जैसे देखो यहां पे ये वाला, देखो BC एक लाइन सेगमेंट है और DC एक लाइन सेगमेंट है, इनका मीटिंग पॉइंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट कहां पे हो रहा है, C, मतलब C एक वर्टेक्स है यहां पे। यहां पे और एक देखो, AB एक लाइन सेगमेंट है यहां पे, AB और एक है BC लाइन सेगमेंट, इन दोनों का AB एंड BC का जो मीटिंग पॉइंट कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, B पे, मतलब B एक वर्टेक्स है। तो यहां पे वर्टेक्स कितना होगा, पांच वर्टेक्स होगा, ए पे वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है, सी एक वर्टेक्स है, डी एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स ई है। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे वर्टेक्स क्या क्या हो गया, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स ई। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड क्या है, देखो एडजेसेंट साइड क्या है, इफ एनी टू साइड्स, इफ एनी टू साइड्स शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट, इज नॉन ईयर एडजेसेंट साइड्स। मतलब क्या है, देखो इफ एनी टू साइड्स, कोई भी एक दो साइड्स, मान लो यहां पे देखो ये ED एक साइड है और एक साइड है DC, देखो ध्यान से देखो, एक है ED एक साइड है और एक DC और एक साइड है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, इफ एनी टू साइड शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट, देखो अभी ये जो दोनों दो साइड्स है वो एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं जो डी पे है, ठीक है, देन दीज टू साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स, मतलब दो लाइन सेगमेंट का या दो साइड का अगर एक कॉमन एंड पॉइंट होगा देन दीज टू साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स। जैसे देखो मैं क्यों पाऊंगा यहाँ पे ई डी एंड डी सी आर एडजेसेंट साइड्स, ई डी एंड डी सी आर एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि उनका एक कॉमन एंड पॉइंट है। यहाँ पे देखो
अगर डी सी एंड ए बी की मैं बात करूँ, डी सी एंड बी सी की मैं बात करूँ, यहाँ पे डी सी एंड बी सी, देखो इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट सी पे बन रहा है, मतलब दोनों साइड का एक कॉमन एंड पॉइंट है, मतलब दीज टू साइड्स आर ऑल्सो एडजेसेंट, ये इसके साथ एडजेसेंट है, ये इसके साथ भी एडजेसेंट है, आ रहा है समझ में, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके साथ भी कॉमन एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट के साथ, ये लाइन सेगमेंट के साथ भी कॉमन एंड पॉइंट है इनका, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है डी सी वो ईसी के ईडी के भी एडजेसेंट है एंड बीसी का भी एडजेसेंट है। अगर मैं देखो ए बी की बात करूँ यहाँ पे, ए बी लाइन सेगमेंट, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट एंड बी सी लाइन सेगमेंट, अभी देखो ए बी एंड बी सी ये दोनों का कॉमन एंड पॉइंट बी पे है, अगर कॉमन एंड पॉइंट बी पे है देन ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, इसी तरह ए बी का और एक एडजेसेंट साइड होगा ए ई और ई ए, मतलब ये दोनों साइड का भी एक कॉमन एंड पॉइंट है जो ए पे फॉर्मेशन हो रहा है कॉमन एंड पॉइंट, इसका मतलब ए बी एंड ए ई आर ऑल्सो एडजेसेंट। तो हम इन्फरेंस क्या हो गया, तो देखो एक लाइन सेगमेंट का दो एडजेसेंट साइड होगा, एक साइड का दो एडजेसेंट साइड, अगर मैं यहाँ पे ईडी की बात करूँ ईडी का एडजेसेंट साइड डीसी भी होगा एई भी होगा, अगर मैं एबी की बात करूँ एबी का एडजेसेंट साइड बीसी भी होगा एई भी होगा। तो इसी तरह हम लिख पाएंगे जो एडजेसेंट साइड्स है दीज आर ईडी एंड डीसी, ईडी एंड डीसी आर एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डीसी एंड सीबी, डीसी एंड सीबी आर एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे सीबी एंड बीए आर एडजेसेंट साइड, सीबी एंड बीए आर एडजेसेंट साइड, अब बीए एंड एई आर आल्सो एडजेसेंट साइड, बीए एंड एई आर आल्सो एडजेसेंट साइड्स, एई एंड ईडी आर आल्सो एडजेसेंट साइड्स, मैं लिख पाऊंगा एई एंड ईडी आर आल्सो एडजेसेंट साइड्स, मतलब ये भी एक एडजेसेंट साइड्स है, ये भी एक एडजेसेंट साइड है, ये भी एक एडजेसेंट साइड, ये भी एक एडजेसेंट साइड, ये भी एक एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, देखो एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, देखो इट इज द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम सेगमेंट या सेम साइड, देखो एक सेम साइड का जो दो एंड पॉइंट है दीज आर द एडजेसेंट वर्टिसेस, जैसे मान लो मैं डीसी की बात करूं यहां पे, देखो डीसी की मुझे बात करना है यहां पे डीसी, तो डीसी एक यहां पे लाइन सेगमेंट है, तो यहां पे डीसी का एक सी एंड पॉइंट है और एक डी एंड पॉइंट है, मतलब डी एंड सी आर एडजेसेंट वर्टेक्स। इसी तरह देखो यहां पे अगर मैं बीसी साइड की बात करूं, यहां पे बीसी का बात करूं, देखो बीसी का सी एक एंड पॉइंट है, बी एक एंड पॉइंट है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस है, इस तरह ये दोनों भी एडजेसेंट वर्टिसेस, ये दोनों भी एडजेसेंट वर्टिसेस, ये दोनों भी एडजेसेंट वर्टिसेस, मतलब क्या है, देखो डी का एडजेसेंट वर्टिसेस सी भी होगा, डी का एडजेसेंट वर्टिसेस ई भी होगा, मतलब ये जो देखो ये लाइन सेगमेंट में डी एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट में भी डी एंड पॉइंट है, मतलब E एंड C आर दी एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ D। इसी तरह E का एडजेसेंट वर्टिसेस D होगा, A B होगा, A का एडजेसेंट वर्टिसेस B होगा, E होगा, B का एडजेसेंट वर्टिसेस C होगा एंड A B होगा। तो हम लिख पाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस, अगर मुझे D की बात करना है तो D का एडजेसेंट वर्टिसेस C, D एंड C आर एडजेसेंट वर्टिसेस, इसी तरह C एंड B
आर एडजेसेंट वर्टिसेस, इसी तरह बी एंड ए आर एडजेसेंट वर्टिसेस, इसी तरह ए एंड ई आर एडजेसेंट वर्टिसेस, इसी तरह ई एंड डी आर ऑल्सो एडजेसेंट वर्टिसेस। तो ये हो गया एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। नेक्स्ट हम देखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। देखो डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो डायगोनल क्या है? इट इज ए लाइन सेगमेंट, इट इज ए लाइन सेगमेंट which connect the two non-adjacent vertices। देखो जब एक पॉलीगन का डायगोनल्स हम बनाएंगे तो डायगोनल्स क्या है? देखो मैं यहां पे एक पॉलीगन बना रहा हूं, देखो ये एक पॉलीगन हो गया, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, वो भी एक पॉलीगन है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो ये पॉलीगन का डायगोनल क्या है? डायगोनल क्या कह रहा है? इट इज ए लाइन सेगमेंट, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होगा व्हिच कनेक्ट द टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब देखो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस क्या हो गया? देखो ए का एडजेसेंट वर्टिसेस ये है, मान लो ये ए बी सी डी एक पॉलीगन है, ये पॉलीगन का देखो डी का एडजेसेंट वर्टिसेस, मैंने कहा अभी डी का एडजेसेंट वर्टिसेस सी भी होगा एंड ए भी होगा, डी का एडजेसेंट वर्टिसेस सी भी होगा एंड ए भी होगा। मान लो मुझे डी से एक डायगोनल बनाना है, अभी डी वर्टेक्स से, देखो जब डी वर्टेक्स से मुझे डायगोनल बनाना है यहाँ पे, तो करना क्या है? यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मुझे बना ड्रा करना होगा जो और एक वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा जो जो डी का नॉन एडजेसेंट होगा, मतलब एडजेसेंट नहीं होगा। जैसे डी का एडजेसेंट सी हो गया, ए हो गया, मतलब ये दोनों को छोड़ के, ए एंड सी को छोड़ के डी का जितना भी एडजेसेंट होगा, तो ये एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के जो लाइन सेगमेंट और एक वर्टेक्स से ज्वाइन करेगा तो हम उसे कहेंगे डायगोनल्स। आ रहा है समझ में? मतलब डी का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है या एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करना होगा अदर वर्टेक्स के साथ, दीज आर दी डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ पे ये भी एक बन सकता है, देखो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया बी एंड डी, तो ये दोनों को छोड़ के मैं इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, ये एक डायगोनल बन गया। देखो एक पेंटागन का हम बनाएंगे अभी। देखो मान लो एक पेंटागन है, मान लो क्या ये तो है ही पेंटागन, देखो ये 5 लाइन सेगमेंट से बना है ये पेंटागन। जब यहाँ पे मान लो मैं उसका नेमिंग कर लेता हूँ ए बी सी डी ई, देखो ई पे बनाना है डायगोनल्स अभी, ई वर्टेक्स से मुझे डायगोनल बनाना है। तो डायगोनल क्या कह रहा है? कि डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस वन वर्टिसेस टू अदर वर्टिसेस व्हिच इज नॉट इट्स एडजेसेंट, जो उसका एडजेसेंट में ना होगा। मतलब देखो ई का एडजेसेंट वर्टेक्स डी हो गया एंड ए हो गया, मतलब इन दोनों को छोड़ के मैं यहाँ से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे दो डायगोनल फॉर्मेशन हो रहा है। जब मैं जब बी से डायगोनल ड्रा करना होगा तो बी का एडजेसेंट हो गया सी एंड ई, इन दोनों को छोड़ के मैं यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकता हूँ इन दोनों को छोड़ के। अगर मुझे सी पे बनाना है तो सी पे बनाना ही क्या है, देखो एक तो ये हो गया और एक भी है ये वाला, यहाँ पे मैं ड्रा कर सकता हूँ, तो ये बन गया तुम्हारा डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का एक जैसे ये 4 लाइन सेगमेंट वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पे डायगोनल कितना बन रहा है? 2 बन रहा है डायगोनल्स। यहाँ पे कितना बन रहा है? देखो 1 2 3 4 5 मतलब 5 बन रहा है, 1 2 3 4 5 5 बन रहा है यहाँ पे। अगर मुझे ट्रायंगल की बात करना है यहाँ पे, देखो ये ट्रायंगल का डायगोनल कितना होगा? देखो ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का मान लो दिस इज ए बी सी,
ट्राइंगल, ये एबीसी ट्राइंगल का मुझे सी पे एक डायगोनल ड्रा करना है। यहाँ पे देखो, जब मैं सी से डायगोनल ड्रा करना है तो मुझे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना होगा जो सी का एडजेसेंट ना हो। देखो सी का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, बी भी है ए भी है, मतलब कोई अदर वर्टिसेस वर्टेक्स यहाँ पे है ही नहीं जो मैं सी से लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जो डायगोनल है वो जीरो डायगोनल्स, हम ट्राइंगल पे डायगोनल नहीं बना पाएंगे। अगर फोर लाइन सेगमेंट से बना होगा एक पॉलीगन तो उसका दो ही डायगोनल होगा। अगर एक पेंटागन होगा, मतलब फाइव लाइन सेगमेंट से बना होगा जो पॉलीगन है उसका फाइव डायगोनल होगा। इसी तरह जो हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन, तो कितना कितना डायगोनल होगा, एक पॉलीगन का कितना डायगोनल होगा उसके लिए एक कॉमन रूल्स है। वो रूल्स क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द डायगोनल, उसका रूल्स है एन इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, मतलब डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन को जानने का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे एन क्या है, एन इक्वल टू नंबर्स ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड मतलब कितना साइड होगा। देखो अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पे, तो ट्राइंगल में एन का वैल्यू कितना होगा, कितना साइड है यहाँ पे, थ्री साइड्स, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल पे हमें एन का वैल्यू मिल गया थ्री। अभी पुट करो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल फॉर डायगोनल का फॉर्मूला हो गया एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। तो देखो एन क्या है यहाँ पे, थ्री, थ्री इंटू एन माइनस थ्री, मतलब थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री बाई टू। देखो थ्री, ये थ्री माइनस थ्री कितना होगा, जीरो, मतलब मैं लिख पाऊंगा इंटू थ्री इंटू जीरो बाई टू, थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री जीरो बाई टू। तो थ्री इंटू जीरो जा जीरो, जीरो बाई टू जा जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो बन रहा है। देखो अगर हम इसके बात करेंगे अभी क्वाड्रिलेटरल का, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हो गया फोर, नंबर ऑफ साइड यहाँ पे फोर है। अगर नंबर ऑफ साइड्स फोर है तो यहाँ पे डायगोनल कितना फॉर्मेशन होगा, वही रूल्स एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो एन यहाँ पे फोर है, पुट करो फोर इंटू फोर माइनस थ्री बाई टू, क्या होगा, फोर इंटू फोर माइनस थ्री जा वन बाई टू, फोर वन जा फोर, मतलब फोर बाई टू, फोर बाई टू जा टू, मतलब दो ही डायगोनल बन रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम पेंटागन की बात करेंगे, वही फॉर्मूला, यहाँ पे एन का वैल्यू फाइव हो गया क्योंकि यहाँ पे फाइव साइड से बना है ये पेंटागन। तो यहाँ पे डायगोनल कितना बन रहा है, देखो एन इंटू एन माइनस थ्री, एन कितना है फाइव इंटू एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री अपन टू। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो ये हो गया फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री जा टू बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, फाइव फाइव डायगोनल्स बन रहा था यहाँ पे। तो ये है एक कॉमन या जनरल रूल हाउ टू फाइंड आउट द डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो ये हो गया आपका डायगोनल्स।